बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम, और जो खेलेगा उसी को मिलेगा इनाम। कैसे हैं आप सब? खेलने के लिए तैयार है? जीतने के लिए तैयार है? भाई खेल के जीत के सट पे हम कहते हैं, जो डर गया वो खाली हाथ घर गया। इसी बात पे शुरू करते हैं पहली गेम। आज की पहली गेम होने वाली है ब्राइट की स्लिपरी स्लाइड। कंटेस्टेंट्स को ले आए, जल्दी आ जाओ जवानों। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ बॉयज, ये क्या, पांच क्यों? मैंने तो सिर्फ चार बुलाए थे, ये पांचवा कौन है? भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। आप सर, एक बाइक मैंने जीतती है सर। एक बाइक आपने जीतनी है? मैंने जीतनी है। उसके लिए आपको स्लिपरी स्लाइड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं खेलूंगा ना सर, नहीं मैं गेम, मैं रेडी हूं, मैं खेलूंगा गेम। हसन चौधरी, भाई हसन चौधरी के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ तैयार होके भी आए और मैचिंग भी करके आए मेरे साथ। भैया आप हमारे सेट पर क्या कर रहे हैं वैसे? कैसा लग रहा है हमें? ऑडियंस से पूछते हैं कैसे लग रहे हैं हम। गुड टू हैव यू ऑन माय सेट। आप मेरे सेट पे क्या कर रहे हैं? मैं इस सेट पे ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपके सेट पे आ गया, आप मेरे सेट पे आ नहीं रहे इतने अरसे से, तो मैं आया हूँ यहाँ के आज आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ भगा के लेके जाऊंगा। मैं तो खुशियां बांट रहा हूँ, इनामात बांट रहा हूँ। आप लोग द टॉक टॉक शो देख रहे हैं नहीं, जरा चीख के बताएं। और आप लोग शहरयार मुनव्वर का द टॉक टॉक शो पे इंतजार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? चले अभी हम चलते हैं वहां पे। हाँ। और हमारे शो की रिकॉर्डिंग करके मैं फिर वापस आऊंगा। हाँ। फिर आप बाइक आपसे जीत के लेके जाऊंगा। बाइक जीत के लेके हाँ। जाएंगे ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके साथ गया तो यहाँ पे खुशियाँ कौन बांटेगा, तोहफे कौन बांटेगा, इनाम कौन बांटेगा? एक काम करते हैं, आप लोग को इस स्क्रीन के ऊपर हम टॉक टॉक शो दिखाते हैं, आप वो इंजॉय करें मेरे और शहरयार की केमिस्ट्री को, और फिर जब हम वापस आएंगे तो गेम का सिलसिला यहीं से शुरू। और आज हसन की तरफ से आप सबके लिए मोटर बाइक फ्री। ये हम चले। यार शहरयार हेलो, कहाँ रह गए आप? दरवाजा मत खोलना, एक मिनट बस आ रहा हूँ मैं। क्यों दरवाजा क्यों नहीं खोलूं यार? बस बस ऐसा क्या कर रहे हैं आप? हेलो भाई, कहीं आपने दरवाजा देखा नहीं, खोल देते हैं, दो मिनट तो इंतजार करें। अरे क्यों? एक सेकंड बस आ गया आ गया आ गया। ओके लेट्स गो। ये क्या यार शहरयार, मुझे तो आपने चेंज करने का मौका ही नहीं दिया। Well, Mr. Chaudhary, you always have to dress the part. यार तालियां शहरयार मुनव्वर के लिए। उस सेट से इस सेट तक पहुंचने के बीच में देखें माशाल्लाह कितनी तब्दीली आ गई है ना। हैंडसम तो अभी भी उतने ही लग रहे हैं, लेकिन कपड़े थोड़े से तब्दील हो गए हैं यार। ये क्या, एक बात बताएं बट एक देखिए, मुझे क्रेडिट दे, मैंने आपके कलर पैलेट में ना हाँ सब कुछ होमवर्क करके। यार एक बात बता दी अब, नाउ दैट वी आर ऑन डिस्कसिंग क्लोज, एक बात बताएं मुझे, आप कभी नहीं, आपने कभी कोई टिप नहीं दी यार कि ये पहन लो वो पहन लो, भैया आपको या और मेरा क्लोजेट रेड कर लो, आओ मेरे कोई सूट शूट पड़े हुए होंगे, कोई फन जैकेट्स होंगी क्या यार शहरयार? ये क्या हम दोनों आपको नहीं, मैं नाराज हूँ, हम दोनों एक ही चैनल पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं साथ साथ पड़ोसी साथ पड़ोसी और ये देखें अच्छा, ये आपने देखा है मेरे आने से पहले चाय भी पहुंची, ये देखें ना, ये सारी टीम आज इनके प्रोटोकॉल में लगी हुई है और मुझे इसीलिए देखें इन्होंने, कोई मौका ही नहीं दिया कपड़े बदल सकूं मैं। आप इसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। बस ठीक है हो गया, पर और चलें हम घर। चले चले हो गया पैक अप। शहरयार टेल मी समथिंग, माशाल्लाह होस्टिंग अ शो एंड मे आई बीन ऑन योर सेट, बहुत मुश्किल काम है लाइव ऑडियंस के सामने, 2 घंटे आपका एक रन टाइम है बट 1.5 घंटा 1.5 घंटे आप जो ये शो करते हैं यार, ये एनर्जी आप में कहाँ से आती है मुझे बताएं? बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज आई टेल यू समथिंग, कैमरे के सामने या एक 300 लोग 400 लोगों के मजमे के सामने खड़े होकर कंटिन्यूसली बात करना, उनको एंगेज रखना, अपनी एनर्जी तो ड्रॉप ना करें, उनकी भी ना ड्रॉप करें, यार ये कैसे आप कर लेते हैं? अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एज एन एक्टर मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग किस्म की जो है ना प्रैक्टिस है। ये एक तरह का स्ट्रीट थिएटर है,
क्योंकि जो आपकी लाइव ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है, 400-500 बंदे की लाइव ऑडियंस बैठी हुई है, अगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे तो मतलब जो घर पे देख रहे हैं आप उनको तो एंटरटेन बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल सही बात है. सो आई थिंक अ गुड वे दैट आई वांटेड टू गो अबाउट इट वाज कि मैं अगर जो स्टूडियो में बैठी हुई ऑडियंस है उसको थ्रू आउट इतना इन्जॉय कराऊँ कि वो चीखे मार रहे हों, तालियाँ बजा रहे हों, तो देन आई न्यू कि अब सही हो रहा है. सो ऑनेस्टली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, The audience feeds you. जैसे ही आप जाते हैं, आप अभी सेट पे थे मेरे साथ. जैसे ही आप सेट पे जाते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनका प्यार देखते हैं, आप उनकी तालियां देखते हैं, तो you kind of get that energy. बड़ी infectious किस्म की energy होती है सेट के ऊपर. और वो हो एक और बात, तालियां यार मुनव्वर के लिए. अब आप इतना सामान बांटते हैं अपने सेट के ऊपर, तो ये टॉक टॉक शो की हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए क्या लेके आए हैं? क्या लेके आया हूँ मैं? हाँ. जो 100 बाइकें वहाँ पे आप देने का वादा करके आए, उसका क्या होगा पहले? पहले ये सेट ना बेचना पड़ जाए आपका वादा पूरा करने के लिए. यार अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा सेट मिल गया. क्यों आप मेरे सेट के पीछे पड़े हुए? वैसे माशाल्लाह बड़ा प्यारा सेट है आपका, है ना? सच बताऊं किसका ज्यादा अच्छा? अभी हमारा हमारी वो क्या कॉलीग राइवलरी शुरू होने वाली है. किसका ज्यादा अच्छा सेट है? ऑब्वियसली आपका इतना प्यारा सेट है, लेकिन यार मेरे में ऑडियंस नहीं दी इन्होंने. मेरी मेरी और मेरी ऑडियंस मैं यही बोलने वाला था. मैंने कहा सेट आपका अच्छा, ऑडियंस मेरी बेहतर. ऑडियंस आपकी अच्छी है क्या? लेकिन मेरी घर बैठी ऑडियंस बड़ी चीते है भाई, ऐसी बात नहीं है. एक एक ताली और एक बैंग ऑडियंस के लिए. यार मुझे एक बात, एक और बात बताए. आप माशाल्लाह डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टर तो आप हैं ही, एक बड़े लंबे अरसे से हम आपको एज एन एक्टर एज ए परफॉर्मर भी देख रहे हैं. अब आप प्रोडक्शन स्लैश डायरेक्शन जैसे मैं कह रहा हूँ उसमें भी चलेंगे. शॉर्ट फिल्म आप पहले भी बना चुके हैं, आगे भी आप एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो और होस्टिंग भी कर रहे हैं. इन सब प्रोफेशंस तो नहीं, एक ही प्रोफेशन की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, वेयर डू यू फील मोस्ट एट होम और मोस्ट एट ईज? हसन टू बी ऑनेस्ट, मैंने मेरे ख्याल से ये अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, मैं उसका एक सिंपल जवाब देता हूँ कि मैं अपने आप को कोई ना एक्टर, पहले भी जब ये सब कुछ नहीं करता तब भी मैं एक्टर नहीं कहता था, मैं फिल्म मेकर कहता था. फिल्म मेकर या कंटेंट मेकर आपको कहें, परफॉर्मर. जब आप कंटेंट बना रहे होते हैं उसमें कभी आप ये रोल फुलफिल कर रहे होते हैं, कभी वो रोल फुलफिल कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली तो हर किसी का गोल वो कंटेंट बनाना ही होता है. बिल्कुल. सो आई समटाइम्स, अब मज़े की बात यह कि मैंने स्टार्टेड राइटिंग. अच्छा, तो प्रिंस चार्मिंग जो आपने देखी थी वो मैंने खुद लिखी थी. यस. अभी एक मोल्टी का आया था मैशन के साथ, वो भी मैंने लिखा था, डायरेक्ट भी किया था उसको. सो एड्स तो मैंने बहुत पहले डायरेक्ट करना शुरू किया था, मैं आसिम साहब को असिस्ट करता था. आसिम रजा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक कहानी आपकी असिस्ट जब आप करते थे. जी जी बिल्कुल. शहरयार मुनव्वर एक सेट पे थे और एक बहुत भारत की मशहूर अदाकारा, नाम बता दें, आप बताएं. आप बिल्कुल बताएं, आप बताएं. क्योंकि अक्सर हमने कुछ डिफरेंट एड्स किए थे तो डिफरेंट डिफरेंट थी. मुझे पता नहीं आप किस वाले की बारे में. जिन्होंने आपको कहा था कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो नहीं, उनकी मदर, उनकी मदर, मदर प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका जी, प्रियंका चोपड़ा साहिबा के साथ शहरयार एड शूट कर रहे थे, बट शहरयार उस एड फिल्म के डायरेक्टर नहीं थे, एडी थे. मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर थे. और सेट के ऊपर शहरयार, मैं आई हैव टू टेल दिस स्टोरी ऑल्सो बिकॉज माशाल्लाह शहरयार इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, इनकी मेहनत की तारीफ है कि सेट के ऊपर जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम करते हैं तो इनके कोई वो वाले हैंगअप्स नहीं होते कि यार मैं तो खुद एक एक्टर हूँ या बड़ा काम करता हूँ या मैंने कोई इतने ड्रामे कर लिए या फिल्में कर ली या एक्स वाई जी. सेट के ऊपर जब ये एज एन असिस्टेंट काम करते थे तब भी तो असिस्टेंट ही बन के रहते थे. आप शायद फ्लोर मॉप कर रहे थे या समथिंग अलोंग दोस लाइन? नहीं, मैं उनको ब्लोअर मार रहा था. ब्लोअर मार रहे थे, वो जो हवा से उड़ाते हैं. आपने मैजिकली देखा होगा कि एक खूबसूरत तरीके से बाल उड़ते हैं हमेशा. हाँ. शॉर्ट में, एड्स में, तो उस शॉट के पीछे हमेशा एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जो नीचे बैठा होता है स्क्रंच्ड अप और वो ब्लोर मार रहा होता है. सो मैं वो ब्लोर मार रहा था उनको. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इस कहानी के लिए अगर किसी को क्रेडिट दिया देना चाहिए तो वो प्रियंका जी को देना चाहिए. शी इज़ यू नो ह्यूज स्टार एट दैट टाइम. जब हमने ऐड किया था उस टाइम पे तो वो यू नो शी वॉज एट द पीक, मतलब यू नो बैक टू बैक उनकी फिल्म्स वगैरह आ रही थी. एंड ब्लोर मारते मारते बीच में उन्होंने मुझे पॉइंट करके बोला, उन्होंने कहा यो शहरयार राइट. तो मैं 2 मिनट उनको देख रहा, मैं तो फ्रीज हो गया वहाँ पे, फ्रीज फ्रेम. एंड 2 सेकंड के बाद मुझे ख्याल है तो मैंने, क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको ऐसे बोलेंगी, मैंने कहा जी. कहती हैं कि वुड यू माइंड मीटिंग माई मदर, शी इज़ अ फैन ऑफ योर्स. एक्चुअली हमारा ड्रामे चलना शुरू हुए थे वहाँ पे जिंदगी चैनल पे. सो वो कोई एक ड्रामा मैंने किया था आयजा के साथ बहुत टाइम पहले, आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट ड्रामा या पहला, दूसरा नहीं, दूसरा ड्रामा था, कुछ अनकही नाम था उसका, नहीं
कहीं कुछ न कहीं तो आजकल चल रहा आपका ड्रामा। देखिए 10 साल गुजर गए, नाम वैसे ही था, कहीं अन कहीं कहीं अन कहीं नाम था उसका। एंड सो वो उन्होंने देखा था, सो शी वॉज वेरी काइंड एंड शी सेड शॉर्ट के बाद शी सेड वुड यू लाइक कमिंग विद मी, तो फिर वो अपनी वैनिटी में ले गई। वैनिटी में ले गई भाई, यार ये तालियों वाली बात है। This also goes on to show कि आपने इस क्राफ्ट को बड़े सीरियसली लिया है, जो आप कह रहे हैं कि आप एक एक्टर नहीं अपने आप को देखते, कंटेंट क्रिएटर या एंटरटेनर के तरह से देखते हैं। तो फ्रॉम डायरेक्शन टू राइटिंग टू एक्टिंग टू बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन सेट टू बीइंग अ मूवी स्टार टू बीइंग अ टीवी स्टार एंड नाउ फाइनली अ होस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। चैलेंजेस भी हैं रास्ते में, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है अभी तक? अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको कुछ याद कराऊं जी, ये भी चैलेंज रहा है कि यू बीन परसीव्ड एज बीइंग टू गुड लुकिंग। ये है बात ये नहीं है? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इज इट ट्रू दो कि जो खूबसूरत, मैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की या आपकी बात नहीं कर रहा, बट क्या ये वाकई में सच है कि जो लोग जो एक्टर ज्यादा खूबसूरत होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, मेल एंड फीमेल, उन पे एक अलग तरह का प्रेशर होता है कि यार कि हाँ, क्योंकि ये शक्ल के इतने खूबसूरत हैं, पता नहीं एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई थिंक रिलेटेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम होता है, जो कि एक उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम रिलेटेबिलिटी का है। आई थिंक अगर आप रिलेटेबल नहीं होते ऑडियंस के लिए, अगर वो आपको देख के ये नहीं सोच सकती कि मैं भी ये हो सकता हूँ, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। एंड ये एक बड़ी स्लिपरी स्लाइड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जितना मैं जवाब दूंगा मैं उतना फिसलूंगा, मैं उतना फिसलूंगा, मैं उतना फिसलूंगा। सो मुझे उसको बड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। पहली तो बात ये कि मुझे कतई ऐसे नहीं लगता कि मैं गुड लुकिंग इंसान हूँ। प्लीज लेट्स फर्स्ट क्लियर। यार ये ऑडियंस आप लोग बताएंगे अपने कमेंट से इस वीडियो के नीचे, इस इंटरव्यू के नीचे। बट चले पहले तो प्रेमिस हम ये सेट करते हैं कि मेरी, मान लिया कि एक सेकंड के लिए फर्ज कर ले, मान लिया कि आप गुड लुकिंग है बहुत, आप कह रहे हैं ना, अगर ऐसा कभी आप मुझे कैरेक्टर देंगे तो मैं वो मान लूंगा क्या? अगर मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जिसमें मुझे अपने आप को ये बताना हो कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूं, तो आई थिंक फिर आप मानेंगे। हां, अभी नहीं मानेंगे। दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले। सो बट ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, जो एक्टर्स होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी अपने आप को देखते हो, एंड आई थिंक I've faced this, I'm guessing शायद बहुत other actors face this as well. जब भी आप अपने आप को देखते हैं तो आपको flaws नजर आ रहे होते हैं, whether it's your performance, whether it's the way you look. So आप कभी उस तरीके, at least with me, मुझे लगता है कि कभी मैं उस तरीके से, जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ा conceited, self absorbed, हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको तो अपने अंदर सिर्फ flaws नजर आ रहे होते हैं। So मैं सद के जाऊं इनकी humility पे, चले अगला सवाल पूछ। अच्छा सच तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला तो premise हमने ये सेट कर दिया। इसका जवाब बेसिक ये है कि मुझे लगता है जो आप पूछना चाह रहे हैं, हाँ वो सच है। बिकॉज होता क्या है कि यू फर्स्ट हैव टू, कोई भी फिल्म, कोई भी चीज़ हो, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक चीज़ होती है, कि जब आपने डिसबिलीफ, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब है कि जिस मिनट कोई बंदा चीज़ देखे और उसको ये भूल जाए कि वो फिल्म देख रहा है या टीवी देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, सो वो रिलेटेबिलिटी से आता है। एंड अगर आप, इफ़ योर You look a certain way, जो relatable शायद ना हो, तो वो suspension of disbelief मुश्किल हो जाता है। एक और सवाल का आप मुझे जवाब दें। आजकल हम आपको देख रहे हैं कुछ अनकही में, आपका किरदार आ जा रहा है, आप एक किस्त में आते हैं, फिर आप दो तीन किस्तें गायब हो जाते हैं, लग ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहे हैं और आपके किरदार में एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। मोस्ट रिसेंटली उससे पहले हमने आपको देखा एक थी लैला के आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन के आखिरी शॉट में, उसमें भी आप एक इंट्रीक वैल्यू छोड़ के चले गए। उससे पहले जब हमने आपको देखा था, आप सिन्फेहान में हमें दिखे थे, इतनी सारी हसीनो जमील लड़कियों में एक शहजादा नुमा इंसान, उसने भी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा था आपके किरदार का। फुल फ्लेजेड आपने जो टीवी पे आखिरी रोल किया था वो पहली सी मोहब्बत में किया था, फिल्म भी आप किए, आपको काफ़ी कोई टाइम हो गया है, होस्टिंग आप फुल टाइम कर रहे हैं, कहानियाँ आप लिख रहे हैं, कहानियाँ आप बना रहे हैं, तो ये आगे चलते हुए ये डायरेक्शन कौन, ट्रेन कौन से स्टेशन पर रुकेगी? शहरयार ज़रा एक्सप्लेन करेंगे, इतनी कन्फ्यूजन चल रही है आपको लेके, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आजकल वो सब करने को मिल रहा है जो मेरा दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ परफॉर्म कर सकूं, तो हर हफ्ते मैं शो करता हूं, जिसकी जो एक परफॉर्मेंस है एज एन एक्टर, दो घंटे एंटरटेन रखना एक परफॉर्मर वाली परफॉर्मेंस है, वो भी करता हूँ। उसके बाद
बिकॉज आई एम डूइंग दैट दैट अलाउज मी द टाइम कि मैं कहानियाँ लिख भी लेता हूँ और डायरेक्ट भी कर रहा होता हूँ तो वो भी कर लेता हूँ. उसके बाद मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह है, छोटी सी एक इंडस्ट्री है, तो वो उसमें भाईचारगी की बहुत ज़रूरत है. सो ये फ्रेंडली फेवर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं. अच्छा. एंड एंड आई थिंक दैट मैंने कभी तो कुछ अनकेज है फ्रेंडली फेवर. एब्सोल्युटली मैंने सिनफियान वाज अ फ्रेंडली फेवर. सो बट एक थी लैला वाज आल्सो फ्रेंडली. नो बट आई विल टेल यू विद सिनफियान इवन दो व्हेन इट वाज पिच्ड टू मी इट वाज पिच्ड लाइक यू नो वुड यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. बट जब मैंने उसमें एक सीन पढ़ा था वो पाक सर जमीन वाला, बिल्कुल आई वॉज सोल्ड ऑन दैट. मैंने कहा था सिर्फ इस सीन के लिए मैं करूँगा ये. वाह ठीक है. एंड बट दी अदर्स या हैव बीन friendly favors, you know, I'm fond of the either the director or the producer in either case. और वो अगर आपको बोलते हैं तो मुझे लगता है ऐसे ही होता है क्योंकि आज अगर मैंने उनके लिए किया है कल वो मेरे लिए करेंगे. बिल्कुल सही बात. एंड ऐसे ही चलना चाहिए. आई थिंक हमारा पूल बहुत छोटा है कि अगर हम अपने दिल छोटे कर लें. जैसे मैं आपके सेट पे गया, आप मेरे सेट पे आ गए. बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो गया. तो अगर आपका पूल छोटा हो तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए. दिल बड़ा होना चाहिए. शहरयार का दिल बहुत बड़ा है. इस बात का जवाब दे दें बल्कि अनाउंसमेंट करते हैं अगर आप. अच्छा फिर मैं आपकी वो बात तो खत्म कर दूं. हाँ. इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे. मसला सिर्फ ये हुआ कि मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मिली. अच्छा. जो मैं जिसको पढ़ के मैं बोलूं कि ये मैं यू नो आई वांट टू डू लाइक अ फुल लीड मतलब मेन. हाँ मैं इसको उठाना चाहता हूँ. बट इंशाल्लाह आई वांट टू डू. तो कुछ स्क्रिप्ट अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, टेलीविजन की भी पढ़ रहा हूँ. एक देयर इज एक्चुअली वन गुड वन दैट आई रियली एंजॉयिंग राइट नाउ. तो शायद उसको लेके एंड फिल्म को लेके भी ऐसा ही है. फिल्म्स तो बीच में रुक भी गई थी पोस्ट कोविड. सो उसके बाद फिर फिल्म्स तो इसीलिए ऑटोमेटिकली रुक गई. तो एक अनाउंसमेंट तो कर दें आज. क्या अनाउंसमेंट कर दें? एक थी लैला का सीक्वल बन रहा है, सीजन 2 बन रहा है. मुझे कुछ नहीं पता. कर दें आज अनाउंसमेंट. मैं शहरयार कहता हूं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. बाकी में कुछ नहीं पता. मुस्कुराहट आपकी कुछ और कह रही है. लेकिन अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं बताता नहीं. अब वक्त हुआ हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है आवाम की आवाज. उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे ज्वाइन करें उन कुर्सियों पे. वो जो आप हाथ देख रहे हैं वो आवाम के हाथ हैं. वो आवाम के हाथ हैं. हाँ वो इतने बड़े हाथ गोल्डन है भाई. ये अगर पड़ जाए तो नहीं नहीं ये सोने के हाथ हैं. सोने के सोने के बने हुए हाथ हैं. सोने के हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे जहाँ पे हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ऑन द स्ट्रीट अनफिल्टर्ड ओपिनियन आपका आपके बारे में लेके आएंगे और हम आपके साथ. होपिंग आपने फिल्टर कर लिया होगा. मैंने देखा अभी नहीं. नहीं आपने नहीं किया. आपकी टीम है, आप उनको आंखें मारे. लेकिन उन्होंने भी किया. आए आ जाए आ जाए. चलें आए. ये आपकी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी. इतने बड़े हाथ. इतने बड़े हाथ. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी. दुआ और सलाम. आए हैं बहुत बड़े मेहमान. नाम है उनका शहरयार मुनव्वर. ड्रामों में कैसा दिखते हैं, मूवीज में काम कैसा करते हैं और होस्टिंग में कैसे लगते हैं ये बताएगी आवाम. लेट्स टॉक टू पीपल. लेट्स टॉक टू पीपल. एक्टिंग ज्यादा अच्छी करते हैं होस्टिंग. एक्टिंग ही इज द वन ऑफ द फेवरेट अस. कौन सा ड्रामा इनका अच्छा लगा, कौन सी मूवी? हरी हरी चुड़िया. कैसी एक्टिंग है? बहुत अच्छी है. और होस्टिंग? होस्टिंग भी बहुत अच्छी. आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगी एक्टिंग को? 10 ऑफ 10. 8. नेवी आर्मी पे आई थिंक. सिनफियान. सिनफियान वो अच्छा. बेस्ट परफॉर्मेंस जी. कैसी एक्टिंग है? अच्छी है. इनकी होस्टिंग? वो भी अच्छी है, वो देखी नहीं है बट एक्टिंग अच्छी है. बहुत अच्छे एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं. कौन सा ड्रामा इनका? आसमानों तले. इनकी होस्टिंग ज्यादा अच्छी है एक्टिंग? एक्टिंग तो बहुत अच्छी है. क्या रेट करेंगी शहरयार? 8. 8 और होस्टिंग? होस्टिंग में भी 8. होस्टिंग देखी है ना? जी 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 जी. एक्ट्रेस के साथ इन्हें काम करना चाहिए. मायरा खान. मैम शहरयार मुनव्वर को जानती हैं? ऑब्वियस. आज हमारे गेस्ट हैं तो बताइएगा कैसी एक्टिंग करते हैं. बहुत अच्छी. बहुत अच्छी करते हैं. आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे एक्टिंग को? 10 आउट ऑफ 10. किस एक्टर्स के साथ ज्यादा प्यारे लगते हैं? माया अली. कौन सा ड्रामा इनका अच्छा लगा या मूवी? आसमानों पे लिखा है. शहरयार मुनव्वर को जानती हैं? जी बिल्कुल. ये बताएं होस्टिंग ज्यादा अच्छी करते हैं एक्टिंग? एक्टिंग. अच्छा आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे इन्हें? 9. अच्छा ये बताइएगा किस एक्टर के साथ इनको काम करना चाहिए? माया अली. कैसी एक्टिंग है? बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी. आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? 7. 7 और आप? 8. अच्छा बताएं किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा प्यारे लगते हैं? मायरा खान. एक्टिंग ज्यादा अच्छी करते हैं होस्टिंग में भी है? एक्टिंग. आपको? एक्टिंग. आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे इनके? 9.5. 7. किसके साथ जोड़ी अच्छी लगती है इंडस्ट्री में? माया अली.
Yes, I know him. अच्छा बताइए कैसी एक्टिंग है? जबरदस्त है वन यार, यंग है, बेस्ट है, और क्या चाहिए? किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा प्यारी दिखते हैं? सज्जल अली के साथ ड्रामा देखा था, अच्छे लगे थे। और आपको? सज्जल अली के साथ, हाँ जानती हूँ मैं। कैसी एक्टिंग है? बहुत ज्यादा 5 दफा ओवर हो जाती है, वैसे अच्छी है। अच्छा, ओवर कब हुई है? कुछ दो जो तो फिल्में की है ना, स्लो, उसमें थोड़ी सी लगती है। अच्छा, किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा प्यारे लगते हैं? माया अली के साथ। माशाल्लाह, ये देखें लालियां चीक के ऊपर, यू आर एक्चुअली ब्लशिंग। ये मेरा सूट है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू आर ब्लशिंग, यू आर नॉट गुड विद कॉम्प्लीमेंट्स, आर यू? नॉट एट ऑल। क्या इसकी क्या वजह है? तारीफें आपने कम सुनी अपनी या ज्यादा सुनी आप? पता नहीं, बट कभी हजम नहीं होती मुझसे। आई एम नॉट गुड एट टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। But on average, I think people rated you 9 out of 10. Your performance, your acting, which is a very good number. I think they're very kind. आपकी जोड़ी भी लोगों को बड़ी पसंद है, माया के साथ लोगों ने कहा कि आपकी जोड़ी ज़्यादा पसंद है। और माहिरा के साथ भी और सजल के साथ भी। अच्छा लगा आपको, यानी कि सेगमेंट मजा आया? मजा आया। आवाम की बात सुन, मैं असल में इस सेगमेंट की तरफ जा रहा था, ये सेगमेंट बाद में। हमारी टीम जो कि आपकी भी टीम है, इन्होंने कुछ सवाल आप, आपको किसके साथ अच्छा लगता है? मेरा मतलब जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है? मुझे तो आप वैसे भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो अपने साथ आप अच्छे है ना? मैं भी यही सोच रहा हूं, इससे क्या अच्छी जोड़ी? मेरी आपकी जोड़ी सबसे अच्छी है, जे और वीरू की। ये दोस्त, अच्छा इसमें जे कौन है और वीरू कौन है? हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे। यार मैं ना जे नहीं बन सकता। अच्छा, मैं मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहते आप? आप भी ऑब्वियसली नहीं मरना चाहते होंगे भाई। वो अगर हीरो एंड में मारा जाए उनके, वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। तो आप अमर हो जाए, आप मैं हीरो बन जाता हूँ। मैं मेरी एक ही है दोस्त हमारी अमर खान, वो वहां तक मैं ठीक, वहां तक अमर ठीक है। हाँ, वहां तक अमर ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये बात है, ये आपकी टीम है, आप अपनी टीम से तो वाकिफ हैं आप बिल्कुल। उन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन सवाल निकाले आप। अच्छा, उन्होंने कहा ये आपने शहरयार से पूछने हैं। मैंने बोला नहीं नहीं पूछूंगा, मना कर दिया मैंने। मना कर दिया आपने? नहीं, फिर उन्होंने कहा आपका चेक नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पूछ लूंगा, चेक ना रोकना भाई, चेक तो जरूरी है। अच्छा, इन्होंने कहा यार कि आप ये गए फिल्म फेयर अवार्ड्स पे, मिडिल ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए बिल्कुल, वहां पे आपने नवाजुद्दीन साहब के पैर छू लिए, तो उसके ऊपर बड़ा बैकलैश हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी होगी कि यार आपने एक एक तो ये कि भारतीय अदाकार है वो, थोड़ी सी एक है इंडिया पाकिस्तान की चपकलिश, उसमें आपने एक भारतीय अदाकार से मिले और मिले भी क्या, आपने पैर ही छू दिए, तो इसके ऊपर क्या आप कहेंगे ये कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई? कहूंगा क्या, वो तो वीडियो है, देख लिया होगा आपने। मैंने तो देख लिया, लेकिन लोगों ने नहीं देखा कुछ नहीं। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कभी, अच्छा सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद हाल ही में रिसेंटली हमने फहद मुस्तफा को भी देखा, गालिबन वो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स पे थे मिडिल ईस्ट पे, और उन्होंने गोविंदा जी के पैर छुए। अच्छा, हाँ ये भी हुआ। अच्छा ये भी हुआ, ये मुझे, हाँ ये भी हुआ, बट अगले साल हुआ आपसे। मैं आपको ये बताऊं कि एक तो कभी कभार अनफेयर बात ये होती है कि कभी कभार आप अपने पर्सनल लाइफ में जो मोमेंट कर रहे होते हो वो इट्स नॉट मेंट टू बी पुट ऑन स्टेज। मतलब मैं स्टेज पे जाके कुछ नहीं कर रहा, मैं ऑन ड्यूटी नहीं था, इट वॉज अ लाइटर मोमेंट, एंड वो मजाक हो रहा था। और वो मजाक ऐसे हो रहा था कि मैं मायरा जी थी, मैं था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, हम तीनों आपस में बात कर रहे थे, एज फ्रेंड्स बात कर रहे थे। एंड मैं उनको बताया था कि यू नो, एंड राइटफुली सो, मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड विच इज़ ट्रू, मैं हूँ, मैं जब से उनकी गैंग जो वासीपुर आई थी तब से। सो मायरा ऐसी मेरी टांग खींची थी कि गुरु जी के पैर छूओ, तो मैंने कहा इसमें क्या है, कर लूँगा। उस वक्त किसी एक मेकअप आर्टिस्ट ने, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग ऑफ हिम, उसने वो स्नैप बनाई और उसने सब कुछ काट पीट के सिर्फ वो पार्ट निकाला। जैसे मैं और आप अक्सर बात कर रहे होते हैं, आप किसी को कहते हैं कि ओ सर क्या कर, वो वाला मोमेंट किसी ने उठा के और उसका आगे पीछे काट के वो उठा के लगा। ये भी कहा कि क्योंकि आप सिंधी हैं तो एक सिंधी ट्रेडिशन भी है। बट ये मैं आपको, ये सेकंड पॉइंट पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर ऐसा होता भी तो मुझे इससे कोई शर्म नहीं आती, बिकॉज आई एम सिंधी, एंड सिंधियों में हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं जिन लोगों से हम सीखते हैं या जो करते हैं, तो हम कहते हैं। एंड आई थिंक ये तो मेरा कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है मेरा, ठीक है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है, अभी आपने बात की कि कुछ चीजें जो हैं वो एक्टर्स अपनी पर्सनल चीजें पर्सनल लाइफ में रखना चाहते हैं, बेशक वो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्यों ना हो। तो क्या यही वजह है कि आपकी एक तस्वीर आई दीपिका पादुकोण के साथ जो आपने कहा कि मैंने डिलीट करा दी हर जगह, इसकी क्या वजह थी? ये टीम आपकी बड़ी पक्की है रिसर्च की। वो मेरा एंगल सही नहीं था। मैंने कहा दीपिका के साथ पिक्चर लगनी है तो ये वाली लगनी है, राइट प्रोफाइल तो
तो आपने दीपिका जी ने तो अपना लेफ्ट प्रोफाइल दे दिया ना, इवन तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने लेफ्ट दे दिया, मेरा प्रोफाइल नहीं आया पर सही। तो मैंने कहा इसको इससे पहले ये एक और पिक्चर क्यों नहीं खिंचवा लिया आपने वहां पे अपने से ही? टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ एक हमारा कोइंसिडेंस कि हम लोग वहाँ पे थे, बिकॉज जो लोग हमें होस्ट कर रहे थे वो उनको भी होस्ट कर रहे थे और मुझे भी होस्ट कर रहे थे, तो वी वर एट अ कॉमन डिनर एंड वो पिक्चर्स जो ली गई थी वो निकलनी नहीं चाहिए थी और वो अगेन इसी तरीके से जो है, बट ये पता है एक इकोसिस्टम है, अगर आपको आपको पता हो ऑब्वियसली अगर मैं हूँगा मुझ जैसे और लोग होंगे अदाकार, हम अदाकार होंगे तभी तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन मैगजीन चलेंगे, ऐसे बिल्कुल। सो इसलिए कभी कभार हमें ना एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, व्हिच इज व्हाई आई थिंक सबने डिलीट कर दी तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हमें ये इकोसिस्टम को मेंटेन रखना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने स्टार्स को नहीं बनाएंगे तो कल वो होंगे नहीं, और अगर कल वो नहीं होंगे तो आप लिखेंगे किसके बारे में? बिल्कुल सही बात। सो इसलिए यू नो तालियां शहरयार की इस बात, ब्यूटीफुल। शहरयार वक्त हुआ जाता है हमारी एक गेम का जिसका नाम है डेंजर डेक, लेकिन इन एसेंस इट्स नीदर डेंजरस ओके नॉर इज इट अ डेक But it is a rapid fire segment. It's a, इसमें तस्वीर बड़ी खतरनाक लगाई हुई है। बस ये इन्होंने ऐसे ही लगा दिए। ये अभी आपने मैं इसका गेम का मकसद ये है कि it's essentially a rapid fire ठीक है question and answer मुझे सही जवाब देने पे कुछ मिलेगा? मैं वो जो 10 bikes जो मैं commit करके आया हूँ ना 100 bikes मैंने commit कर दी छोड़े फिर उन्हीं में से कोई गाड़ी शाड़ी पे हम बात कर लेंगे, या वरना ये टीवी ले जाए, आप टीवी ले जाओ, ले जाए आज आप, चले अगर आप जीत रास्ते में देता हुआ जाऊंगा सर कहीं पे किसी को माशाल्लाह देते हुए। शहरयार मुनव्वर को को स्टार्स की कौन सी ऐसी आदत है जो बिल्कुल भी नहीं पसंद? जनरली या को स्टार काम कर रहे हैं किसी की, हाँ। तो कोई किसी को स्टार की ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप इरिटेट हो सकते हैं जो आपको नहीं पसंद? आई थिंक लेट आना, लेट आना और काम डिले करना, शॉर्ट में लेट आना, बीच में ब्रेक लेना, या फिर यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। आज आप खुद क्यों इतना लेट आए शहरयार? इस बात क्योंकि क्योंकि यहाँ कोई को स्टार नहीं थी ना। मुझे आप नहीं समझते कुछ नहीं पानी में, ये बात हो गई, ये राइवलरी जो है ये ज्यादा निकल रही है थोड़ी सी नहीं बड़ा बट आई थिंक दैट्स स्पेशली अगर शॉट चल रहा हो और बीच में अगर कोई ब्रेक्स हो जाए या यू नो अपना फोकस लूज करना। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, मैं झूठ सिर्फ तब बोलता हूँ जब? कभी नहीं, मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोल सकता, मैं वेरी बैड लायर। नहीं बोल सकता? नहीं, मैं वेरी बैड लायर, मेरी शक्ल पे आ जाता है जब मैं झूठ बोल रहा था। कुछ होते हैं आपकी शक्ल के बहुत मासूम लोग जो झूठ बोल जाते हैं और पकड़े पिटी जाते हैं। एनीवे, आपके दो कोस्टार्स का नाम लूंगा, आपने अपनी असेसमेंट में बताना है कि आपकी ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री किन के साथ है, ठीक है? आपकी अपनी केमिस्ट्री भाई आपने बतानी है अपनी दो कोस्टार्स, माया अली या सारा यूसुफ? सारा यूसुफ के साथ मैंने कोई काम नहीं किया। आपका बड़ा एक शानदार सीन था सिन्फियान में उनके साथ, बट फिर हमने आपको एसएन के शो पे देखा। एस सच मैंने सायरा के साथ अभी तक कोई काम नहीं किया, एंड आई वुड रियली लाइक टू वर्क विद हर, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मुझसे ये, मैं आपको ये जवाब दे सकता हूँ कि इन दोनों में अब मेरा दिल है कि मैं, क्योंकि माया के साथ मैंने माशाल्लाह दो प्रोजेक्ट्स किए, सायरा के साथ मैं काम करना चाहूंगा। ये सवाल नहीं, सवाल ये कि केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा अच्छी, तो माया के साथ करूंगा तो पता चलेगा। इस वक्त माया जी जी इस वक्त तो आई थिंक आई वर्क विद माया, सो उसके साथ माया के साथ केमिस्ट्री ठीक है। जब ऐसा कभी होता है, क्योंकि आप भी एक गेम शो करते हैं, फहद मुस्तफा भी एक गेम शो करते हैं, आपको कभी ऐसा सुनाई दिया या किसी ने कहा हो कि आपका कंपैरिजन किया हो, आपस में मुवाजना किया हो दोनों का, और अगर कभी किया है तो आपको कैसा लगा हो? देखिए मज़े की बात यह है कि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे मुझे फहद मिले भी थे और मैंने उनको कहा था कि यू नो आई एम स्टार्टिंग दिस, सो एनी टिप्स एंड स्टफ, सो ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बड़ी अच्छी बात है, यू विल एंजॉय दिस एंड स्टफ। एंड शुरू में मैं जब भी किसी से मिलता था तो मैं ये कहता था नहीं यार आई एम नॉट वॉन्टिंग टू कम्पीट विद फहद, एंड ये वो कॉम्पिटिशन नहीं है। पर फिर मुझे किसी ने एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि वो भी एक गेम शो करते हैं
और तुम भी एक गेम शो कर रहे हो तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है, नहीं तो क्या है ये. सो मैंने उस पर 2 मिनट सोचा और मैंने कहा हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट वर्क्स लाइक दैट. लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि मैं अपनी नीश नहीं कहूँगा, मैं अपना तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ रखूँगा. सो हमने जो अपना गेम शो है वो भी उससे बहुत अलग रखा है. हमारा बड़ा फिजिकल गेम शो है, सो वी फोकस मोर ऑन द फिजिकलिटी ऑफ द गेम्स. सो दौड़ना भागना बहुत ज्यादा. हाँ, सो मैंने उसको थोड़ा सा दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. ठीक है, अब क्योंकि हम आपके गेम शो की बात करें, कभी ऐसा हुआ कि आपने गिफ्ट अनाउंस कर दिया और बाद में ना दिया हो किसी? अब आई एम सरप्राइज, अब गेम शो की बात करें, माया अली की बात नहीं कर रहे. जब से आया हूँ 4 सवाल तो पूछ चुके हैं मुझसे. मैं तो आप गेम शो पे आ गए फाइनली. लेकिन आप जो है मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि अपने गेम शो में आपने किसी को गिफ्ट अनाउंस कर दिया हो और बाद में आपको उनको वो गिफ्ट देना याद ही ना रहो या वापस ले लिया हो, इस तरह का कोई फनी वाक्या हुआ है? आई डोंट. या आपने बाइक्स अनाउंस कर दी बाद में पता चले यार इतनी तो बाइक्स थी नहीं हमारे पास आज? नहीं, ऐसे ऐसे ऐसा तो नहीं हुआ, बट एक्सप्रेस इज नाइस सो फार. बट अक्सर ऐसा होता है कि कभी आप जो है ना बड़े दिल करके आप चीज़ें देना शुरू करते हो, एंड ऑब्वियसली आपकी हर एपिसोड की एक इन्वेंट्री सर्टन आपको मैनेज करके चलनी होती है, तो कभी फिर आपकी खिंचाई होती है ऑब्वियसली. फिर आपको बुलाया जाता है और कहते हैं कि मतलब यू नो, सो उस तरीके से. सो वैसे आज से ये तो नहीं हुआ कि हमने कभी कोई गिफ्ट दिया और वापस लेना पड़ गया हो. अच्छा अच्छा, आखिरी सवाल, हमारी इंडस्ट्री में किस एक चीज की? मुझे बताइए, तो रैपिड था ही नहीं, तो रैपिड फायर कोई नहीं ना, ये मेरे और आपकी केमिस्ट्री टेस्ट हो गया. मुझे बताएं, हमारी इंडस्ट्री में किस एक चीज की कमी है? किस एक चीज की कमी है? हाँ, आई थिंक सच बताऊं? हाँ सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं. सर बिल्कुल सच बताऊं, इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज आई थिंक के जिसकी वजह से कुछ कभी कभार चीज़ें उल्टी सीधी भी हो जाती हैं. क्योंकि अगर आपकी टेबल पे एक प्लेट पड़ी हुई है जिसमें 4 गुलाब जामुन हैं और खाने वाले 20 हैं, तो वो सब लड़ेंगे उसके लिए. ऐसे सो वो जो मैं पहले आपसे भाईचारगी की बात कर रहा था, दैट्स वेरी नेसेसरी, बट दैट विल ओनली हैपन जब हर किसी का पेट भरा हो, इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, एंड दैट इज़ ऑल टाइड इन टू एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज़ टाइड इन टू आपकी जनरल मुल्क के क्या हालात हैं, ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक एसेंशियली इट्स अ मनी गेम. जैसे मनी आएगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सबके लिए काम होगा. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड मोर अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, बहुत अच्छा, आपने सीरियस एक आपने जवाब दिया, सीरियस जवाब दिया. हंसी मजाक हमारी आप एकदम उस जोन में चले गए, सीरियस जोन में चला गया. चले आपको कोई सीरियस जवाब देता है, चले मैं एक और सवाल आपसे पूछूं. चले, आपके ये जो को एक्टर्स हैं, ये को कॉलीग्स हैं, इनको आप अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिंग स्किल्स 1 से 10 में कितना रेट करेंगे? अच्छा ठीक है, ये फीमेल है या मेल है? ये मेल है यार. अच्छा, ये मेल है. फीमेल का पूछूं फिर आप बोलेंगे ये नाम क्यों, वो नाम क्यों? चले चले, मैं तो नहीं पूछ रहा आपसे. हाँ, फीमेल. अच्छा, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा. आपका पर्सनल, ऑब्वियसली ये इनकी एक्टिंग पे डज नॉट रिफ्लेक्ट अपॉन देयर एक्टिंग. नहीं, एज अ व्यूअर, आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप खुद भी आप गेज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो सबसे पहले फवाद खान, आउट ऑफ 10 इनको मैं क्या दे रहा हूँ, क्या नंबर देंगे आप एक्टिंग स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए? आई गिव हिम एन 8. 8 आउट ऑफ 10. अली जफर, 7. 7 out of 10. Fahd Mustafa, 7. 7 out of 10. Adnan Siddiqui, 7. Okay. Ehsan Khan, 7 again. Okay. Humayun Saeed, as an actor? As an actor, of course. As a star, I'll give as him... As an actor. As an actor. As Humayun Saeed, I'll give him 9. Okay. As an actor? I think you cannot separate... As an actor, I'll give him 7. 7. Okay. Thank you very much, Shahryar. It's been such a wonderful sport. Thank you, Shahryar. It's been a lot of fun. Definitely... You got a reward. This screen... You can take it home. This screen I can take it home. But I'll say, with this TV screen, take this camera with you. Done. Now, it's time for our game. We'll play another game. Come, please, join me.
यार वक्त हुआ चाहता है इस गेम का, इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये एक इसमें ड्रिंक है, इसमें क्या है हसन चौधरी, इसमें क्या है, हलाल ड्रिंक है इसके अंदर, हलाल, रमजान बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल, जिसको पीने में कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ना आपको ना मुझे, क्यों नहीं मिलेगा, इतनी कैलोरीज होनी है इसमें, डाइट तो नहीं मिलेगा ना, मैं ये पूछा था ये डाइट है कि नहीं, ये डाइट है, आप क्या समझे, आपने मुझे हिला दिया आज, चले आज शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह, इसको अच्छा आपको गेम पता है क्या है, हाँ इसको पीना है और पलटाना है, पीना और पलटाना है, बिल्कुल ऐसे, और जो हारा उसको एक डेयर करनी पड़ेगी, अच्छा हारेगा कैसे, मतलब जो एंड में जिसने पहले कर लिया दूसरा बंदा हार जाएगा, वैसे ही आप करते रहते हैं, आपको प्रैक्टिस है इसकी, मैं हर बार हारता हूँ, चले ओके ट्राई करते हैं, अगर आज आप हार गए तो सोचे मैंने ये कुछ 3-4 बार गेम के मैं हर बार हारा हूँ, ओके वैसे होते ही नहीं है, सो यू रियली हैव टू विन, मैं पहला वो बकरा होऊंगा अगर आप जो आपको जिताएगा, बहुत बुरी रिफ्लेक्शन होगी आपकी, ठीक है, एंड वी गॉट 90 सेकंड्स, और वी ओनली हैव 90 सेकंड्स फॉर दिस, या ओके लेट्स डू दिस, तो तब 90 सेकंड्स तक जिसके ज्यादा फ्लिप हुए वो जीत जाएगा, ऑलराइट एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नो यस कम ऑन यार, आई हेट दिस गेम, टफ गेम चल रही है, आई हेट दिस गेम, ब्यूटिफुल क्या हसन चौधरी आज ये गेम जीतेंगे, हसन चौधरी आपका एक ग्लास नीचे पड़ा हुआ है, मैं उठा लूंगा यार, टाइम खत्म हो गया, नहीं वो था, नहीं नहीं वो था और फिर गिरा है, वो था और फिर गिरा है, चीटिंग नहीं करो, चीटिंग चलो कौन जीता यार, तुम लोग आपकी ये अमेजिंग लक स्ट्रीक, क्या कहते हैं, लकी स्ट्रीक, क्या था, अनलकी स्ट्रीक, वो चल रही है, तो डेर क्या है, तो डेर क्या है, क्या है डेर, क्या दें आपको, आप ऐसे तैयार होके आए जिम के लिए, तो कुछ आपको फिजिकल किस्म का हीरो किस्म का डेर देते हैं, कोई 50 एक पुशअप निकाल लो, अच्छा मुनासिब कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, अच्छा 25 कितने करने, 25 तो हो जाएंगे, हसन कम ऑन करने, For all the female fans watching Hasan Chaudhary right यार now. ये सबसे बुरी देर है. यहाँ पे ओके अगर मैंने कर लिया तो क्या मिलेगा, अगर आपने कर लिया तो क्या, ये इतना जो आपको जिल्लत एक सेकंड रुक जाए, साथ दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 21, 22, 25. ये ना 25. Well done. वो आपने मुझे शुरू में बाइक प्रॉमिस की थी. एक बाइक मेरी मैं लेके जाऊं. डन हो गया. साथ वीरू और जय बन के निकले. मैं हम पीछे बैठ गए. बैठे हम यहाँ बैठे आप काउंटिंग में इतनी चीटिंग क्यों करते हैं आपको क्या लग नहीं रहा था कि मैं खुद नहीं गिन रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज बढ़ा रहा था नहीं नहीं बस मेरा मतलब ये बहुत इरिटेटिंग बात होती है मेरे एक ट्रेनर है नासिर नाम है उनका एंड आई लव यू नासिर लेकिन उसका मसला ये है वो जो है ना जब भी हम काउंट कर रहे होते हैं स्पेशली जब कोई 25-35 का सेट हो तो वो हमेशा उसमें से 2-3 भूल जाता है अच्छा और वो आखिर के जो 2-3 होते हैं ना वही आपको सबसे मुश्किल वही इरिटेट करते हैं आपको मैंने गिन के 25 ही किए हैं बट थैंक यू शहरयार बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ अच्छा ये शो करते हुए बड़ी जबरदस्त हमारी एनर्जी जा रही है इसी जबरदस्त एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए अब हम खेलेंगे एक और गेम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाँ जी कि ये हेडफोन्स आप लगा लें इसमें ऑलरेडी गाना बज रहा है और मैं कुछ फ्रेजेस यहाँ से पढ़ूंगा जो आपने गैस करने हसन ये आप बुरा फील कर रहे हैं आप इससे ज्यादा एंटरटेनिंग है मैं ऐसे नहीं करूंगा आपके साथ क्या कि आपको सामने रख के मैं गाने सुनना शुरू कर दूं कोई बात नहीं हाँ कैन यू हियर मी आई कैन हियर यू हाउ गाने नहीं चल रहे वैसे अभी तो गाना चला गाना चलाएं चल गया आई कांट हियर यू नहीं आई कांट हियर यू गाना चल रहा है आई कांट हियर यू गाना चल रहा है या ओके
नंबर वन शवरमा प्लेटर पहले कर क्या रहे तो बताएं am I very loud so, I just told you what we were doing okay so I'm going मैं कुछ phrases पढूंगा ठीक है आपने lip sync guess करना है कि ठीक है ठीक है अच्छा आप बोल क्या रहे हैं ये वाला हाँ हाँ ये क्या हुआ है okay आ जाए शवरमा प्लेटर प्लेटर शवरमा प्लेटर love my hater फिर से बोले शवरमा प्लेटर love my hater Shawarma platter love my hater Well done. ये क्या ब्रिटिश स्पेल्स लगाया हुआ है मुझे Am I very loud? Yes. Okay. आसमानों पे लिखा Well done. Shady, are you ready? क्या ऐसा Shady. Are you ready? Lady. Ready. Shady, are you ready? तालियां यार, तालियां. वाह 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 वाह. क्या बात, क्या बात, क्या बात. आपकी बात. अपनी बात. आपकी बात. आपकी बात. अपनी. आप. आप 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 की बात आपकी बात बात हाँ आपकी बात गधे की लात आपकी बात ये वही है जो मुझे आपकी बात गधे की लात गधे की लात गधे की क्या लात गधे की लात 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 आपकी बात गधे की लात तालियां यार ये क्या बात है यार क्या बात twinkle little star वाह वाह इतना अच्छा आज तक ये कोई गेम नहीं खेल अच्छा? मैं आपको बता रहा वेल डन बहुत अच्छा दो रहे तीन रह गए और मैं क्या बहुत लाउड हो रहा हूँ वैसे आई कैन ओनली इमेजिन मैं बहुत चीख रहा हूँ हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है हाँ लोग एंजॉय करेंगे मिठाई मीठी पिया मिठाई मी पिंकी मी मैं मी पेन मी मी मिठाई ये आप मुझे कैसे इशारे कर रहे हैं आसन चौधरी खुदा का खौफ करे मिठाई पीला पीला कैसे मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या सुन रहे मिठाई आप नॉर्मल बोले मिठाई प्ले मिठाई मीठी प्यार मिठाई ये नहीं हो रहा अगला लव्स मैं कह रहा हूँ मिठाई आप कह रहे हैं प्यार मिठाई और प्यार ये कैसे एक तरह की मिठास प्यार प्यार की मिठास आप खुद ही प्यार की मिठाई मिठाई मीठी गरम अंगीठी ये था अब ये चलें भरा
भरा हुआ पेट ऑलरेडी लेट यार, दिस मैन इज अ जीनियस. वाह वाह वाह. लास्ट अंगूर खट्टे आज शूट नहीं है. फेवरेट वर्ड्स. अंगूर खट्टे ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे? अंगूर ये खुद होंगे आप. अंगूर क्यूट. अंगूर खट्टे उल्लू का पटा. अंगूर खट्टे यार. वाह 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 वाह. उतार दे. वेल डन शेरी. वेल डन. प्राउड ऑफ यू यार. क्या जबरदस्त खेले. वाह वाह. बहुत मजा है. जीत गया. ये गाने जरा सुने जो लगाए हुए थे ना. बहुत ही नेक्स्ट लेवल अंग्रेजी गाने. ये कोई ब्रिटिश पेस लगाया हुआ था. पता नहीं कौन है. थैंक यू सो मच शहरयार. इतना मजा आया आपके साथ गेम खेल के. अनफॉर्चुनेटली अब वक्त खत्म हो गया है. क्योंकि एक्सप्रेस के ऊपर और भी शोज चलने हैं ना. खेल के जीत भी चलना है और भी लोग काम कर रहे हैं. तो सारा तो हम नहीं हॉक कर सकते लाइट. अच्छा किया शो आपने. स्पॉटलाइट. मैंने अच्छा किया. गुड जॉब. कैसा किया मैंने? गुड जॉब. अच्छा शो किया आपने. सवाल थोड़े से आपके पुराने थे. ठीक है. उन पे आप काम कर सकते हैं. आप एक काम करें ना. सेट आपको अच्छा दे दिया इन्होंने. अल्हम्दुलिल्लाह. प्यारी शक्ल है आपकी वैसे. अल्लाह का शुक्र है. मैं एक बात सजेस्ट. वार्डरोब भी सही पहन लिया आपने. ठीक है. तो शो नॉट बैड. मैं आप 6.5-7 दे दूंगा आपको. मैंने तो अभी शुरू किया है यार. तो इसलिए मैं ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े होस्ट में मैं तो बहुत अभी नीचे हूँ. इसलिए मेरे लिए तो खुशी की यही बात है कि एहसन खान भी मेरे शो पे आए. आज शहरयार मुनव्वर भी आए. और ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है. थैंक यू सो मच शहरयार. थैंक यू सो मच. प्लीज उठें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे कैमरे वैसे भी आप ही के हैं. लेकिन अगर कोई आप मैसेज अपने फैंस तक ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें तो प्लीज. इतना कहूँगा कि भाई आप हसन का शो देखते रहें. बहुत अच्छा शो करें. नए नए होस्ट हैं. इन्होंने बताया अभी इनकी जर्नी शुरू हुई है. तो थोड़े से फॉरगिविंग हो जाए इनसे. गलतियाँ वलतियाँ होती रहती हैं. हमने तो इनको माफ़ कर दिया हमेशा प्यार मोहब्बत में. आप भी थोड़ा हल्का हाथ रखा करें इन पर ताकि ये अगली दफ़ा मैं इनसे पूछूँ तो ये नंबर 3 से अपने आप को बेहतर रेट कर सके. एंड show and this was all in fun and we're just being jesters kar rahe the and hum aap logon ko entertain kar rahe the but I really enjoyed the show. Thank you. And it's a beautiful set and I hope ke aapka bhi second season inshallah. I just have to say one thing on a closing note. मैं जब भी कोई नया काम शुरू जैसे मैंने एक्सप्रेस वे जब ये शो शुरू किया शहरयार वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु मैसेज्ड मी हु कॉल्ड मी एंड हु कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. और मेरा शो देखने के बाद अगेन दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया और बहुत अप्रिशिएट किया और एक्नॉलेज किया. दैट वुड ऑलवेज मीन अ लॉट टू मी. मजाक के अलावा आपको पता है मैं आपका एक्चुअल जेन्युइन फैन हूं. इफ यू रिमेंबर तो मैंने आपका इससे पिछले शो से बिल्कुल मैंने आपको फोन किया था. मैंने आपकी पहली एपिसोड देखी थी. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन यू वर हियर एंड यू हैव डन माशाल्लाह सो वेल. और ये हमारा एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चलता रहता है ऑफ कैमरा. जब शहरयार काम करते हैं तो मैं भी उनको कॉल करके हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूं. सो दिस वाज ऑल इन फन एंड गेम्स. आपके लिए हमने ये शो पुट अप किया. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा. और अब जाते-जाते आई थिंक वी शुड आल्सो यू नो शेक आवर लेग अ लिटिल. अच्छा तो अगर कोई गाना शाना बजा दें ये रिवायती तौर पे रिवायती